हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डीएनडी की। आप सभी जानते होंगे डीएनडी क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि आप अपनी सिम में डीएनडी एक्टिवेट करवाते हैं अगर आप ज़्यादा बिजी रहते हैं तो। अगर आप अनवांटेड कॉल और मैसेज पिक करना नहीं चाहते हैं तो आप अपने सिम पे डीएनडी एक्टिवेट करवा लेते हैं। लेकिन ये किस तरह काम करता है, इसके पीछे का क्या चीज़ें होती हैं, ये इसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कैसे किस तरह काम होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डीएनडी होता क्या है, तो आज हम जानेंगे डीएनडी होता क्या है। तो एक हमारे पास जो ट्राई होती है, मतलब ट्राई मतलब वही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने हर एक मोबाइल ऑपरेटर्स को एक सेटअप दे रखा है। मतलब उन्होंने हर एक मोबाइल ऑपरेटर्स को एक लॉगिन आईडी दे रखी है, लॉगिन डिटेल दे रखी है, जिससे कि वो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके पास सारी डिटेल रहती है कि इंडिया में टोटल कितने यूज़र्स हैं, जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो कितने यूज़र्स हैं, और कितने के पास डीएनडी एक्टिवेट है और कितने के पास डीएनडी एक्टिवेट नहीं है, कितने नंबर पर डीएनडी एक्टिवेट है, कितने नंबर पर डीएनडी एक्टिवेट नहीं है, वो सारी डिटेल उनके पास रहती है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप अपना डीएनडी एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, जस्ट आपको कुछ नहीं करना पड़ता ज़्यादा कुछ, आपको एक नंबर पे मैसेज करना होता है जो कि नंबर है 1909, उस पर लिखना होता है और स्टार्ट और स्पेस देके 0। जैसे ही आप ये मैसेज सेंड कर देते हैं तो आपका जो डीएनडी हो एक्टिवेट है वो प्रोसेस में चला जाता है। मतलब उसके बाद आपको एक और मैसेज आता है कि यस या नो, तो वहाँ पे एन या वाई का ऑप्शन मिलता है आपको, तो वहाँ पे आपका आप डीएनडी एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे वाई लिख के दोबारा मैसेज कर दीजिए। तो ये जो मैसेज होते हैं यहाँ पे जो मैसेज है ये टोल फ्री होता है, ये टोल फ्री नंबर है किसी भी ऑपरेटर, आप कोई भी सिम यूज़ करते हो, एयरटेल यूज़ करते हो, आइडिया यूज़ करते हो, जियो यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करते हो आप, यहाँ पर आपको ये मैसेज फ्री में जाता है और यही सेम नंबर रहेगा, आपको सेम नंबर पे ही मैसेज करना पड़ता है और सेम यही मैसेज करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो 7 दिन के अंदर आपका जो डीएनडी होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके बाद होता क्या है कि इसके बाद आपकी जो कंपनियाँ होती हैं ये आपको मैसेज क्यों नहीं भेज पाती हैं, तो यहाँ पर जो ट्राई होती है, ट्राई यहाँ पर हर एक ऑपरेटर्स को अपनी एक लॉगिन आईडी देती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉगिन डिटेल देती है, वहाँ पे हर एक ऑपरेटर्स के पास एक एक्सेल शीट रहती है जिसमें कि हर एक पूरी डिटेल होती है कि इंडिया में कितने नंबर चल रहे हैं, कितने नंबर पे डीएनडी एक्टिवेट हो चुका है, कितने नंबर पे डीएनडी एक्टिवेट नहीं है, कितने नंबर पे डीएनडी एक्टिवेट था उन्होंने नॉट डीएनडी कर लिया है, तो ये सारी डिटेल जो है ट्राई इनको दे देता है। तो ये जो ट्राई होता है ये हर हफ्ते में 2 दिन डिटेल देता है, जो कि मंगलवार होती है, मतलब ट्यूजडे और फ्राइडे। तो यहाँ पे जो ट्राई होता है, ट्राई हफ्ते में 2 दिन ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं इनको डिटेल दे देता है कि इस हफ्ते में इतने यूजर्स जो थे यहाँ पे डीएनडी में गए, इतने यूजर्स जो हैं नॉट डीएनडी में आए हैं, तो ये सारी डिटेल्स दे देता है। तो अब डिपेंड ये करता है कंपनीज के ऊपर कि कंपनी की अपना डाटा क्या अपडेट करती है। तो क्योंकि ये सारी डिटेल अपडेट होने में 7 दिन लगते हैं, कि अगर ऐसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना डीएनडी आज एक्टिवेट करवाने के लिए डालते हैं तो 7 दिन के अंदर आपका डीएनडी पूरा एक्टिवेट होता है। उसके बाद कंपनियाँ जो होती हैं वो कंपनी का अलग अलग रूल होता है कि कुछ जो कंपनी होती हैं वो तुरंत अपडेट कर देती हैं, कुछ जो कंपनी होती है 7 दिन लेती हैं, कुछ जो कंपनी होती है 1 महीना लेती हैं। तो इसमें होता यह है कि आपने डीएनडी एक्टिवेट तो करवा दिया, आज आपका 7 दिन के अंदर एक्टिवेट भी हो गया, लेकिन जो कंपनी वो अपना डाटा अपडेट कर रही है 1 महीने बाद, तो वो आपको बीच में मैसेज कर रही है, तो उससे अगर आप परेशान हो रहे हैं तो उसका भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसका जो अगर सोल्यूशन निकालते हैं आप, तो वो कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। तो उसमें आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना चाहता, बस 1909 पे मैसेज या कॉल करनी है, वहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि इस कंपनी का मेरे को मैसेज आ रहा है, इस कंपनी का मेरे को प्रमोशन मैसेज आ रहा है और ये कंपनी बार बार मेरे को मैसेज करके डिस्टर्ब कर रही है जबकि मेरे पास डीएनडी एक्टिवेट है। फिर उसके बाद ट्राई उससे उस कंपनी पर कॉन्टैक्ट करेगा और कॉन्टैक्ट करने के बाद ट्राई उससे पूछेगा कि क्या आपने इसको मैसेज क्यों किया जबकि इनके पास डीएनडी एक्टिवेट है। तो कंपनी का जवाब देना पड़ेगा कि ये हमारे यूज़र थे, इन्होंने परमिशन दे रखी थी इसलिए हमने मैसेज किया। अदरवाइज़ अगर कंपनी जवाब नहीं दे पाती है तो कंपनी को 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। तो इसी तरीके से कंपनी को 25,000 का नुकसान हो सकता है अगर आप उसको एक भी मैसेज उसके खिलाफ कर देते हैं तो। और अगर ऐसे मैसेज 2-3 बार चले जाते हैं, अलग अलग यूज़र्स से 2-3 बार मैसेज चले जाते हैं, तो हो सकता है कि उस कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, उस कंपनी का लाइसेंस ट्राई जो है वो रद्द कर सकती है। तो अगर हम बात करें मैसेजेस की, तो मैसेज इनके 2 तरह के होते हैं, एक प्रमोशन मैसेज होता है, एक ट्रांजेक्शन मैसेज होता है।
तो प्रमोशन जो मैसेज होता है, प्रमोशन जिसके जैसे कह सकते हैं कि प्रमोशन जो करते हैं ये लोग, तो ये जो प्रमोशन मैसेज होता है ये खाली नॉट DND वाले पे ही कर सकते हैं, जो जिन्होंने DND एक्टिवेट नहीं करवा रखा उसी पे कर सकते हैं। और ये ट्रांजेक्शन वाले मैसेज होते हैं ये किसी पे भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जब मैसेज करने का ऑप्शन होता है वो दोनों के पास ही होता है, मतलब कि नॉट DND और DND वाले दोनों के पास ही कर सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन वाले मैसेज होते हैं इनके, वो दोनों के पास ही चले जाते हैं। तो इसी तरीके से कुछ DND काम करता है हमारा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आज हमारे पास कि DND किस तरह एक्टिवेट करवाते हैं और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है पूरा। तो मैंने आज आपको इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये किस तरह काम करता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ चुकी हो कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी DND किस तरह वर्क करता है। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलो। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज प्लीज कमेंट जरूर लिखेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।